भारत माता की इनकलाब वंदे। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मुझे बताया गया है कि ये हॉल काफी छोटा पड़ गया, इतने ही लोग उधर हॉल के बाहर भी बैठे हुए हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं। और हम लोग कोशिश की थी 2-3 और बड़े बड़े हॉल लेने की, लेकिन सरकार ने उनको कैंसिल कर दिया। कोई बात नहीं, इस बार आप लोग सरकार को कैंसिल कर देना। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। दूसरी पार्टियों में आप देखते हो कितनी गुंडागर्दी होती है, जो बातें हम करते हैं। मुझे नहीं लगता आज तक भारत की राजनीति में किसी ने इस किस्म की बातें की होंगी। जब भी पार्टियां चुनाव होता था आके वोट मांगती थी, कोई धर्म के नाम पे वोट मांगता है, कोई जाति के नाम पे वोट मांगता है। मैंने आज तक भारत को आजाद हुए अब 76 साल हो गए, 76 साल में एक भी दूसरी पार्टी को मैंने ऐसी पार्टी को नहीं देखा जो आपके आके कहे कि आपके स्कूल बनवा दूंगा इसलिए वोट दे दो, आपके लिए अस्पताल बनवा दूंगा इसलिए वोट दे दो। एक भी पार्टी आज तक नहीं आई, अकेली पार्टी है जो मुद्दों की बात करती है। हम नेता नहीं है। मैं पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। भगवंत मान बहुत बड़े कॉमेडियन थे, खूब पैसा कमाते थे। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, चाहता तो जितने मर्जी पैसे कमा सकता था, तो पैसा कमाने तो नहीं आए राजनीति के अंदर। अन्ना आंदोलन हुआ, उसके बाद एक पार्टी बनी, किसी को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि एक नई पार्टी इतनी जल्दी उसकी सरकार बन जाएगी, लेकिन जनता का प्यार था, जनता का भरोसा था। हमने तो कुछ किया नहीं था, लोगों को लगा यार ये लड़के बड़े शरीफ हैं, देशभक्त हैं, जिद्दी तो हैं। लोग कहते हैं केजरीवाल जिद्दी बहुत है, जिद्दी तो हैं, काम करने की जिद है, देश को ऊपर ले जाने की जिद है। जैसे ही हमारी पार्टी बनी, पहली बार दिल्ली में सरकार बनी, सबने कहा अरे ये वन टाइम वंडर है, एक बारी बन गई है इनकी, अब दोबारा नहीं होने वाली। भाई साहब दिल्ली में 3 बार लोगों ने हमारी सरकार बनाई है, 3 बार, और वो भी कोई छोटा मोटा बहुमत नहीं। 70 में से 67 सीट बीजेपी को, 3 सीट कांग्रेस को, 0 सीट। दूसरी बार 70 में से 62 सीट आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को 0, बीजेपी को 8। अभी पंजाब में 117 में से 92 सीट सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे हम लोग, नहीं ऐसे तो जनता वोट देती नहीं, कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। आज आपके बीच में आए हैं, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, आपकी बात करेंगे, आपके परिवार की बात करेंगे, आपके बच्चों के भविष्य की बात करेंगे, इधर उधर के झूठे वादे नहीं करेंगे। पहले होता था जैसे अभी मान साहब ने बताया, चुनाव होता था, एक मैनिफेस्टो निकाल देते थे, जो नेता मैनिफेस्टो लेके खड़े होते थे ना यूं स्टेज पे, उन्होंने ही नहीं पढ़ा होता था उस मैनिफेस्टो में क्या है, झूठ बोलते थे। फिर हमने शुरू किया केजरीवाल की गारंटी। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, सर कटा देंगे, लेकिन जो इसमें लिखा है एक एक पूरा करके देंगे, भरोसा है लोगों को। और जब से हमने कहना चालू किया कि हम गारंटी दे रहे हैं, उन लोगों ने, बाकी पार्टी वालों ने भी शुरू कर दिया गारंटी दे रहे हैं, गारंटी उन्होंने भी दी थी, 15 लाख की गारंटी दी थी, आए 15 लाख, नहीं आए। वो झूठ बोलते हैं, उनको पता है, शुरू से ही पता है उनको कि उन्होंने काम नहीं करना, उनको शुरू से ही पता है। इसीलिए केजरीवाल की गारंटी अलग है, बाकी पार्टियों की गारंटी अलग है। आज मैं आपको केजरीवाल की 10 गारंटी देके जा रहा हूं। ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये झूठा संकल्प पत्र, पता नहीं क्या क्या कहते हैं ये लोग, ये झूठा वो नहीं है, ये केजरीवाल की 10 गारंटी है। केजरीवाल मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन अगर हमारी सरकार बनी एक एक गारंटी पूरी करेंगे। और जैसा अभी मान साहब ने बताया, बाकी पार्टी वाले क्या करते हैं, जब सरकार बन जाती है 4.5 साल तक कोई काम नहीं करते,
केवल लूटते हैं, आखिरी के 6 महीने में दिखाने के लिए कुछ 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 शुरू कर देते हैं। हम उल्टा करते हैं, जैसे ही सरकार बनती है हम काम करना शुरू करते हैं। अभी पंजाब में हमारी सरकार बनी बनी है, 1.5 साल भी नहीं हुए, इन 10 में से 6 या 7 गारंटी तो पंजाब में पूरी भी हो गई, कर भी दी हम लोगों ने। तो सबसे पहली गारंटी, छत्तीसगढ़ में बिजली तो खूब बनती है, छत्तीसगढ़ में सरप्लस स्टेट है, बिजली के लिए सरप्लस स्टेट है। छत्तीसगढ़ जो बिजली बनाता है वो दूसरे राज्यों को बेचता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अपने लोगों को बिजली नहीं मिलती। गलत तो नहीं बोल रहा, मेरे को भी बगल में बैठे भाई बता रहे थे कि गांव के अंदर तो 5-6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती, शहरों में भी लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। लगते हैं कि नहीं लगते? 24 घंटे बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल्ली में भी पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। हमारी सरकार 2015 में बनी थी, 2014 याद है मेरे को दिल्ली में, 2014 की गर्मियों में 7-7, 8-8 घंटे बिजली नहीं आती दिल्ली में, अब 24 घंटे बिजली आती है। पंजाब में सरकार बने 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल पहले यहां पे पंजाब के कई लोग दिख रहे हैं, आप फोन करके पूछ लेना, नेट पे देख लेना, पंजाब में लंबे लंबे पावर कट लगते थे 1.5 साल पहले तक, हमारी सरकार बनने के पहले। केवल 1.5 साल के अंदर पंजाब में ऐसी व्यवस्था कर ली, अब 24 घंटे बिजली आती है पंजाब के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर भी 24 घंटे बिजली आया करेगी, बिजली की कमी नहीं है, नीयत की कमी है, इनकी नीयत खराब है, इन सारे पार्टी वालों की इनकी नीयत खराब है। 24 घंटे बिजली मिला करेगी, तो बिजली में पहली बात 24 घंटे बिजली मिलेगी, दूसरा फ्री बिजली मिलेगी, ये मैजिक है, 24 घंटे बिजली फ्री बिजली, ये दुनिया में किसी को मैजिक नहीं आता, ये जादू है, ये केवल मेरे को आता है, ये ऊपर वाले से वरदान मिला है मेरे को, केवल केजरीवाल को आता है 24 घंटे बिजली फ्री बिजली। अमेरिका में भी नहीं आती, इंग्लैंड में भी नहीं आती, टोक्यो में भी नहीं आती, फ्रांस में भी कहीं नहीं आती, केवल दिल्ली में आती है, और अब पंजाब में भी फ्री बिजली मिलने लग गई लोगों को। तो 300 यूनिट बिजली हर महीने 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिला करेगी, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अभी मान साहब ने बड़ी मार्मिक कहानी सुनाई कि कैसे एक दूध बेचने वाले भाई ने बताया कि जब वो दूसरे दूध बेचा करता था पहले 2.5-2.5 महीने के बाद पेमेंट मिलती थी, और जब से बिजली फ्री हो गई हर महीने उसको पेमेंट मिलने लग गई, क्योंकि लोगों के पैसे बचने लग गए। आज इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, आम आदमी का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इन नेताओं को क्या पता, इन्होंने तो पता नहीं कितने करोड़ों अरब रुपए कमा रखे हैं 7-7 पुश्तों के लिए। आम आदमी से पूछो ना, उसका घर नहीं चल रहा। जब हम कहते हैं बिजली फ्री करेंगे, ये कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। अरे जनता से पूछो, ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं कि जनता की मदद कर रहे हैं हम लोग? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए फ्री? अच्छा, दूसरी चीज मेरे को बताया गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फर्जी बिजली के बिल आए हुए हैं, किसी का 10,000 का बिल भेज देते हैं, किसी का 40,000 का बिल भेज देते हैं, गलत तो नहीं कह रहा? फिर चक्कर काटते रहो इनके, 40,000 का बिल भेज देते हैं, बिजली दफ्तर के चक्कर काटो, बाबू कहता है 5,000 रुपए दे तो तेरा 40,000 का बिल कम कर दूंगा, ऐसे कहते हैं ना, धंधा बना रखा है इन्होंने। तो मान लो हमारी सरकार आ गई और हमने कह दिया बिजली 300 यूनिट फ्री, लेकिन आपका तो पुराना 40,000 का बिल है, उसको क्या करोगे? जब तक वो 40,000 नहीं भरोगे वो आपको फ्री देंगे नहीं। तो दिल्ली में भी हमने करा, पंजाब में भी करा, छत्तीसगढ़ में भी करेंगे, नवंबर तक के जितने पुराने बकाया बिल हैं सारे माफ। पंजाब में करा था चुनाव के पहले तक के, दिसंबर तक, फरवरी में चुनाव हुए थे, फरवरी में पंजाब में जैसे पंजाब में फरवरी में चुनाव हुए थे तो दिसंबर तक के पूरे पंजाब के लोगों के जितने बकाया बिल थे दिसंबर तक के सारे माफ कर दिए एक बार में हमने। उससे क्या फायदा हुआ? लोगों को अब चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, सारे पुराने बिल माफ हो गए। कई ऐसे लोग थे जिनके गलत बिल आए हुए थे, 40-40, 50-50 हज़ार रुपए के गलत बिल थे, फिर वो आके बिजली का कनेक्शन काट जाते हैं, फिर उस आदमी को डंडी डाल के बिजली का कनेक्शन लेना पड़ता है, फिर उस पे चोरी का के, सब खत्म हो गया। लोगों ने एक नंबर में कनेक्शन ले लिए, सबके पुराने बिल माफ हो गए, नए बिल आने बंद हो गए, जनता में खुशहाली हो गई। तो पहली गारंटी बिजली की गारंटी मंजूर है,
दूसरी गारंटी शिक्षा की गारंटी। आपके बच्चों की जिम्मेदारी ले रहा हूं मैं, कोई पार्टी नहीं लेगी, किसी में दम नहीं है, कोई करना नहीं चाहती, आपके बच्चों की गारंटी ले रहा हूं। ये लोग आपके बच्चों को जानबूझ के अनपढ़ रखना चाहते हैं, बेरोजगार रखना चाहते हैं। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की गारंटी मेरी है। आपका बड़ा भाई बनके, आपका बेटा बनके, आपके परिवार का सदस्य बनके आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मैं दिलाऊंगा। जितने सरकारी स्कूल हैं, आज मैं देख रहा था, आने के पहले छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। कई स्कूल तो बंद कर दिए इन्होंने, कई स्कूल है जिसमें 10-10 क्लास है और एक टीचर है, कई टीचर हैं जो बेचारों को तनख्वाह नहीं मिली कई कई महीनों तक, कई टीचर हैं जो कच्चे हैं वो उनको तनख्वाह नहीं मिलती, उनकी नौकरी का कुछ अता पता नहीं है। टीचर हैं उनसे टीचिंग के अलावा सारे काम कराते हैं, टीचिंग नहीं कराते बस। तो दोस्तों दिल्ली के अंदर, दिल्ली के इंटरनेट पे जाके देख लेना, जितने दिल्ली में रिश्तेदार हैं उनसे पूछ लेना फोन करके, दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को चमका दिया हम लोगों ने, शानदार बना दिया। आजादी के बाद से आज तक 75 साल में पहली अकेली सरकार आई है जिसने शिक्षा के ऊपर इतना जोर दिया है। आज मेरे दिल्ली के स्कूलों के नतीजे, सरकारी स्कूलों के नतीजे दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल जिसमें एडमिशन लेना मुश्किल है, लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं प्राइवेट स्कूलों की, 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के दिल्ली में सरकारी स्कूल में भर्ती हो गए, इतने शानदार सरकारी स्कूल बना दिए। अब दिल्ली के सरकारी स्कूल में एक ही डेस्क पे रिक्शे वाले का बेटा, जज का बेटा और आईएएस अफसर का बेटा एक ही डेस्क पे बैठ के एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। तो आपके सारे सरकारी स्कूल शानदार बना देंगे, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी मेरी। और जितने प्राइवेट स्कूल हैं इन्होंने लूट मचा रखी है, मचा रखी है कि नहीं मचा रखी है, गुंडागर्दी मचा रखी है, जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं, लाइब्रेरी फीस, डेवलपमेंट फीस, पिकनिक फीस, फलानी फीस, ढिमका फीस, जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं। दिल्ली के अंदर 10 साल से स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी हम लोगों ने, जो गुंडागर्दी मचा रखी है उसको, प्राइवेट स्कूलों वाली गुंडागर्दी को बंद करेंगे। जितने टीचर हैं कच्चे टीचर हैं उन सारे कच्चे टीचरों को पक्का करेंगे,